बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगरचे जलसगाह में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उर्दू ज्यादा अच्छी तरह समझ नहीं पड़ती, लेकिन चूंकि हमारे बहुत सारे मेहमान आए हैं जो हमारी मादरी जबानों को, जिनको बदकिस्मती से पाकिस्तान में इलाकाई जबानें कहा जाता है, उनको समझ नहीं आती। मैं कोशिश करूंगा कि अपना माफी ज़मीर अपने मेहमानों के जरिए प्रेस वालों और पाकिस्तान के आवाम तक पहुंचाओ। फिर एक दो मिनट पे शायद पश्तो में या कोई शेर मेर ब्रावी का बलूची का याद आया वो कह दूंगा। मुहतरम मौलाना फजल पीडीएम के हमारे कायद, पीडीएम में शामिल तमाम जमातों के अकाबरीन, मैं सबसे पहले बलूचिस्तान की उन तमाम पार्टियों के कारकुनों का जिनमें जमीयत उलेमा इस्लाम भी शामिल है, बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने बलोच पश्तून रिवायात के मुताबिक अपने मेहमानों का एहतराम करने के लिए दिन रात मेहनत करके बहुत बड़े इज्तिमा का इंतज़ाम किया। मौलाना साहब को मालूम होगा हमारे सारे सूबे की पश्तून बलोच आबादी पंजाब के एक जिले के बराबर है, तो हमसे गिला ना कीजिएगा, ये हमारे उस आबादी का एक किस्सा है जो हम आप मेहमानों के लिए यहाँ इकट्ठा करके ला सके हैं। बदकिस्मती ये है इस मुल्क में मौलाना साहब सच पे पाबंदी है और झूठ के मुतालिक आप आलिम दीन हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अब हम क्या करें? अल्लाह का फरमान यह है कि झूठ मत बोलो, पाकिस्तान की बुनियाद यह है कि झूठ पे झूठ बोलते जाओ। मजबूरन हमें अल्लाह की तरफ या उन रिवायात की तरफ जाना पड़ेगा जो हमें बचपन से सिखाई गई हैं। हमें तो ये कहा गया था, हमारी तो तरबियत यूं हुई थी कि आईने जवां मर्दा हक गोई वो बेबाकी, और यहाँ हक पे पाबंदी है। यहाँ जो वफादारियाँ बेचता है वो वफादार है, जो दूसरों की वफादारियाँ खरीदता है वो वफादार है, और जो अपने असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारता है वो रा का एजेंट है, वो खारिजी पैसा लेता है। बाबा खुदा को माने, मैं लोगों को कस्में नहीं देता। एक हमारा दाढ़ी वाला जाम खानदान का बड़ा शरीफ आदमी वज़ीर आला था, वो चला गया। एक दूसरा दाढ़ी वाला बच्चा आ गया है, कोई आलिम दीन मालिक की पार्टी का आदमी, नेशनल पार्टी का आदमी, उनके पास कुरान न लाए ना ले जाए, उनसे कहें कि अपने बाबे की कब्र पे हाथ रख के कहो कि इस उखाड़ पिछाड़ में कितने पैसों का कारोबार हुआ। पता है सबको क्या हो रहा है इस मुल्क। मौलाना साहब मैं माफी चाहता हूं, दुनिया में ये शिकारी जो अल्लाह पाक ने हैवानात पैदा किए हैं, इनमें शेर, चीता, ये वो अपनी शिकार को मार के खाते हैं। लगड़ बगड़ जिसको अंग्रेजी में हैना कहते हैं, वो और जंगली कुत्ते, ये जिंदा हैवान को कोई उसकी दुम खींचता है, कोई उसका पेट फाड़ता है, कोई उसका गला फाड़ता है। पाकिस्तान को अगर हम अपना मुल्क समझते हैं मालिक भाई, पाकिस्तान को अगर हम अपना मुल्क समझते हैं, मैं माफी चाहता हूं, मैं किबला रुख खड़ा हूं, झूठ मैं नहीं कह सकता मालिक भाई। इस मुल्क के हर इदारे के लोग, यकीनन मुझसे लोग नाराज होंगे, हर इदारे में अच्छे लोग भी हैं। मैं हर इदारे से मुराद हर इदारा, सियासियों समेत, प्रेस वालों समेत, अदलिया समेत, फौज समेत, हम सब लगड़ बग्गों की तरह पाकिस्तान की आंखें निकाल रहे हैं, और सब पंजगाना नमाज भी पढ़ते हैं, और सब अपने आप को जन्नत का हकदार भी समझते हैं। खाक मिलेगा तुमको, जन्नत दया आसान दी, बस खाली फिंजा वख्तलमन जन्नत अल्लाह पाक कुरान करीम में, मौलाना साहब अहल-ए-दीन है, अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं, मैंने मोमिन से सौदा किया है, वो मुझे माल और सर देगा, मैं जन्नत दूंगा। इस मुल्क में हम रह रहे हैं, यह मुल्क हमारा है, यह मुल्क हमारी बदकारियों की वजह से, हमारी करप्शन की वजह से, हमारे गलतकारियों की वजह से यह मुल्क डूब रहा है। मुल्क जमीन का टुकड़ा नहीं होता, हम सब डूबेंगे, हम सब। इसको हमने बचाना है। बचाने के दो तरीके हैं। मुफ्ती रहमान साहब आप बैठे हैं, आपकी हाजिरी का फायदा उठाते हुए मियां साहब लंदन में है। इस बला से जिस तरह मालिक भाई ने जो कुछ कहा 100% मैं उनके साथ हूं। इस बर्बाद मुल्क में पहले दिन से नहीं तो कम से कम मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद यहां आवाम की अपनी मर्जी की हुकूमत कायम नहीं हुई है। लोगों की वफादारियां खरीद कर उनको ब्लैकमेल करके वजीर आला बनाया जाता है, वजीर आजम बनाया जाता है, फिर उम्मीद रखी जाती है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। हमें डर है, इसमें यह मुल्क हमारा है, ये खिता हमारा है। यहां अंग्रेज था। मौलाना साहब, जालावान के मेंगल को क्या मिलता था जब वो अंग्रेजों से लड़ रहा था? एक गरीब मरी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, खुद भी मर रहा था, उसे क्या मिलना था? मूसा खेल का एक आदमी, वजीरिस्तान का कोई वजीर मसूद, फकीर एपी और बहुत सारे दूसरे मुजाहिद, हमने इसलिए इस मुल्क के लिए लड़ाइयां लड़ी। क्या इसको हम मदरे वतन समझते हैं? यह हमारी माँ है। इसमें हम किसी भी इदारे को, और खुद पाकिस्तान का आइन कहता है, पाकिस्तान का आइन उस आदमी को गद्दार कहता है जो आईन नहीं मानता। पाकिस्तान का आईन उस आदमी को गद्दार कहता है जो आईन तोड़ने वाले का साथ देता है। यहां आईन की जब हम बात करते हैं मौलाना साहब, आप तकलीफ में होंगे, आप जेल में होंगे, आपके खिलाफ बदमाशों का टोला पैदा किया जाएगा, आपको गालियां पड़ेंगी, आपको खुदा न खास्ता मारा जाएगा, और जो खुद भी बिकता है दूसरों को खरीदता है। बात यह है मौलाना साहब, मैं माफी चाहता हूं। आईन के बालादस्ती कायम करने के लिए दो तरीके हैं। मैं आपको कर रहा हूं, आपके जरिए नवाज शरीफ को पैगाम दे रहा हूं। एक तरीका यह है कि हम मुल्क के तमाम इदारों को बशमूल अफवाज पाकिस्तान उनको राजी करें और एक बहुत लंबी चौड़ी गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, जिसमें अदलिया के जजेस बैठे हों, जिसमें दानिश्वर बैठे हों, और जिसमें मेरी तरह के दानिशखोर बैठे हों, जिसमें प्रेस वाले बैठे हों, जिसमें जर्नल बैठे हों, और हम मिल बैठ के सर जोड़े कि खुदा के लिए ये मुल्क डूब रहा है। ये मुल्क IMF का ग्रवी है। IMF जिस अंदाज में, मैं मुल्कों का नाम नहीं लेता, हमारे खित्ते के एक मुल्क पे दूसरे मुल्क का कर्जा चढ़ा तो उसके बदले में उसे 2 बंदरगाहें ले ली गई। इस मुल्क को बचाने का रास्ता ये है। हम इसलिए नहीं निकले उसके लिए कि हम लोगों को माँ बहन की गालियां दें, नास्तकबिरुल्लाह। हम इस मुल्क को बचाने निकले हैं। उसको बचाने का वाहिद तरीका ये है कि यहाँ आईन की बालादस्ती होगी, यहाँ वोट लोग डालेंगे, भले मौलाना साहब हार जाए, उनकी पार्टी हार जाए, PDM हार जाए, लेकिन एक ऐसी मुंतखब हुकूमत जिसका लोग एहतराम करें। अफसोस की बात है, मैं इमरान खान को हटा के किसी और के लाने को इसका इलाज नहीं समझता। अगर इमरान खान को हटा के मौलाना साहब के हवाले किया जाए, डॉक्टर के हवाले किया जाए, खुदा न खास्ता हमारे हवाले किया जाए, इन हालात में इस के बाहर से चेहरा हमारा होगा और डोरियां किसी और के हाथ में होगी। मौलाना साहब भी महंगाई का इलाज नहीं कर सकेंगे, पीपल पार्टी भी नहीं कर सकेगी, हम भी नहीं कर सकेंगे। हमने आवाम के लिए एक तरीका यह है कि गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। दूसरा तरीका यह है, मौलाना साहब मैं भी चाहता हूं, आप इतने बूढ़े नहीं हुए हैं, नवाज शरीफ भी तकड़ा है। दूसरा तरीका यह है कि हमने आपकी राबरी में, नवाज शरीफ की राबरी में, बिल्कुल ईरानी इंकलाब की तरह अवाम को सड़कों पे लाना है और अवाम की ताकत के इस मुल्क में आईनी बादशाही कायम करनी है, वरना नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये ताकत है इन पार्टियों में, ये ताकत है इन पार्टियों में कि हम अवाम की ताकत से इन बलाओं को, या तो ये है कि गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस हो, भले मुझे ना बुलाए, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा एतमाद है मौलाना साहब पे, मेरा एतमाद है मालिक पे, मेरा एतमाद है पश्तूनख्वा मिलम पार्टी को, एतमाद है अख्तर मेंगल पे, पश्तूनख्वा मिलम पार्टी को एतमाद है नवाज शरीफ पे। बैठे जर्नलों जजों के साथ इस मुल्क की बका के लिए इनको समझाएं। अफसोस की बात है, जिस मुल्क में एक आदमी को कल तक अभी तक वजीर आजम के तौर पे पेश किया जाता है, उससे अमेरिकन प्रेसिडेंट टेलीफोन नहीं करता और उनका वजीर खारजा आके उसके जनरलों के साथ घंटों बैठता है। लानत हो इस मुल्क पे, लानत हो इसी सियासत पे, लानत हो इसी राहबरी पे। एक मुल्क का जो भी है, आप लोगों ने कहा यह आदमी वजीर आजम है, उससे कोई बात नहीं करता, और उसके नीचे रहने वाले लोग तो जी। खतरनाक बात है मौलाना साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे खित्ते में दुनिया के बड़ी ताकतों ने बंगड़ा डाल दिया है, बहुत खतरनाक बंगड़ा, लड़ाई का बंगड़ा, जिसमें रूस शामिल है, अमेरिका शामिल है, हिंदुस्तान शामिल है, इसराइल शामिल है, ईरान शामिल है। ये हमारा मुल्क इन मस्त सांडों की गवर्नमेंट का वो नहीं कर सकता। मैं जजानू डेर मनाना तशराखिली वास्त डेर हिम्मत में खड़ी रणू खबर अदा अदा भाई बलोच भाइयों, एक बात शिकायत के तौर पे नहीं, मौलाना साहब आपकी गोश गुजार करा रहा हूं, इस सूबे में एक गलत मैसेज जा रहा है। मुल्क में जो कुछ हो रहा है, मैं ये शिकायत का मौका भी नहीं, शिकायत भी नहीं है। जनूबी बलूचिस्तान के नाम पे मौलाना साहब 8 खरब रुपए रखे गए हैं, और इस तरफ 50 अरब नहीं रखे गए। क्या मतलब है? यानी आप लोगों को यह पैगाम देना चाहते हैं कि चूंकि वहां लड़ाई है, इंसर्जेंसी है, तो आप भी बंदूक उठाओ। क्या लाहौर में, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लाहौर में जुलूस निकला, डंडे थे, पता नहीं क्या था, पुलिस वाले मरे, फलाना मरे, मामला ठीक, बच्चों को मारने वाले पता नहीं कौन है, मैं नहीं समझता। वो जो हमारी तालिबान है TTP, उनसे मुज़ाकरात, और हम जैसे फराम लोगों से ये जमीयत उलेमा इस्लाम, ये पश्तूनख्वा मिली पार्टी, क्या हमें ये पैगाम दिया जा रहा है कि डंडे उठाओ? यानी मौलाना फजल रहमान हुक्म करे कि अल्लाह अकबर, बंदूक उठाए अख्तर मेंगल, पश्तूनख्वा मिली पार्टी बंदूक उठाए, मुल्क कहां रहेगा? फिर मुल्क कहां रहेगा? ये खिता किस तरफ जाएगा? खुदा को माने हमारे जर्नेलों, खुदा को माने बैठे। बिल्कुल मैं अपने आप की, मेरी जिम्मेवारी फजल रहमान के जिम्मेवार में। हम फौजों के खिलाफ नहीं है, हम जासूसी इदारों के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल हमारे जासूसी इदारे CIA से ज्यादा अच्छे हों, हमारे अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज हो, खुदा को माने हम हाथ जोड़ के कहते हैं हुक्मरानी आपका काम नहीं है, आप नहीं कर सकते। आपने किया 30 साल, नतीजा ये हुआ एटमी मुल्क और मकरूज, एटमी मुल्क और दुनिया के लिए कासा गदाई फिराने वाला। ये PDM इसलिए बना था। और मैं तो मौलाना साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा, उस दिन अगर से बात बाहर नहीं आनी चाहिए थी। नवाज शरीफ ने कहा कि मौलाना साहब क्या ख्याल है अगर एक PDM के एक मीटिंग लंदन में हो जाए? मौलाना साहब मैं तो कहता हूँ चले लंदन, वहाँ बात कर लेंगे, फिर देखा जाएगा। फिर देखा जाएगा। मैं एक बरावी शेर में अक्सर किसी ने बताया था, अगर अल्फाज गलत हों बुरा नहीं मानना, अल्फाज तलफ़ुज़ में हमारा एक बावर्ची था नूर मोहम्मद, मैं उससे थोड़ी थोड़ी बरावी, मैंने कहा कोई अच्छा अच्छा शेर सुनाओ, तो उसने कहा कि दा कस रखा एक शशदू ना पने, दा कस रखा एक शशदू ना पने, गाजी ना रिंदा दितर ना गाने। मैंने कहा मतलब क्या है? कहता है इसका मतलब यह है कि ये सीधा रास्ता जदोजहद का है, इससे गाजियों और शहीदों के लहू की बू आती है। तैयारी करो पाकिस्तान को एक ऐसा जमहूरी मुल्क बनाने के लिए जहां किसी फर्द का फर्द पे जुल्म ना हो, जहां किसी तबके का तबके पे जुल्म ना हो, जहां किसी फिरके का फिरके पे बालादस्ती ना हो, पार्लियामेंट मुंतखब ताकत का सरचश्मा हो, वहां से खारजा और दाखिला। आखिरी बात माफी चाहता हूँ मौलाना साहब आपको इतला के लिए, यहाँ हमारे चिफ्तान से लेकर मकरान और आपके सूबे से लेकर चमन तक हमारे गरीब लोगों की का गुजारा रोजमर्रा आने जाने के कारोबार पे है। आपको हम लिख के देते हैं, बिल्कुल अगर हमारे लोग हीरोइन की स्मगलिंग करते हैं गोली मार दो, अगर वो चर्च की स्मगलिंग करते हैं गोली मार दो, अगर वो असला लाते हैं गोली मार दो, लेकिन अगर वो यहाँ से एक टिन घी ले जाते हैं, वहां से कुछ और चीज ले आते हैं, ये तजारत है, ये लोग मर रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात मौलाना साहब, वहाँ कहतसाली है, मालदार मुल्क है अफगानिस्तान, अभी जो मौजूदा हालात है कुछ लोगों को खतरा है अपनी जिंदगी या अपनी इज्जत का। यहाँ हमारे बॉर्डर पे यहाँ चमन के लोग बैठे हैं, कर्नल साहब को कुरान दे के पूछ लो, मौलाना साहब गरीब आदमियों से एक एक भेड़ या बकरी या दुम्बे पे 2000 रुपया रात को, चेन उठाओ ये जो जंजीर लगाई है और एक दुम्बा अंदर कर दो। जिस गरीब आदमी की 200 बेड़े हैं उसको 4 लाख 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं, और एक गरीब आदमी के पास उसकी बीवी, वो खुद, उसकी बेटी और वो, हर आदमी पे 10,000 रुपया, 10,000 रुपया दो और तार के नीचे से गुजर जाओ। आखिर मुसलमान ने सोचे मन वाला खुदा में करना जबारा तुखतबलिगलमजे तुखनास तबारा खुदा तो वो गोर संग मुसलमानी दे खालक पर तकलीफ दी, खालक पर तकलीफ दी रावान दी तजर पे संग पर सदा जिना खे तसरंग दे गरीब शफानस पर योब 2000 रुपया खे आख اختفى مخرا خسدي ويزم ده زمرد مستخيل ما مزوك ولا دوري في ذاك तो बल मैं एक बात ये इनकी फरमाइश मान लेता हूँ। यानी जो डंडे उठाते हैं, गोलियां उठाते हैं, उनसे मुज़ाकरात करो। मैं ये ज़ाती हिस्सत में करता हूँ, अली वजीर के बाप से, उसके भाई से, उससे खानदान से मेरी शनासाई 30 साल से है। इस खानदान के 17 आदमी गोली से मारे जा चुके हैं। PTM से इख्तिलाफ हो सकता है लोगों का, PTM ने डंडे नहीं उठाए, गोलियां नहीं उठाई, लेकिन अली वजीर बैठा है और जो लोग गोलियां मारते हैं, बस मैं आगे कुछ नहीं कहता। मौलाना को ज्यादा नाराज भी नहीं करता, आपको भी ज्यादा जज्बाती नहीं करना चाहता। देर बनाना खुदा खैर दरपेश की। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। ये छह माथा तक खड़ी हूँ वलदे वोस मलायान ना रे हुए पकास्ते को वलदे वोस नाराय तकबीर फजूर अबवास नाराय तकबीर सब फजूर शिकर देवा नाराय तकबीर मौलाना फजल रहमान मियां नवाज शरीफ अख्तर जान मेंगल डॉक्टर मालिक बलोच साजिद मीर और ये गरीब देर मनाना कोरदार।